हाय अनमोल, रीचैट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनमोल। रीचैट में पहला सेगमेंट है खट्टी मीठी बातें। इसमें कुछ बातें रहेंगी खट्टी कुछ मीठी, आपकी लाइफ को लेके, आपकी जर्नी को लेके। तो पहला सवाल, चाइल्डहुड मेमोरी क्या है आपके क्रिकेट को, कैसे आपने प्रैक्टिस शुरू की और कैसे क्रिकेट को आपने सोचा कि इसको प्रोफेशनली खेला जाए? देखिए, किसी भी इंडियन की तरह 4-5 साल की उम्र से ही मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। बहुत छोटे थे तो हमारी सोसाइटी में ही हम लोग क्रिकेट खेला करते थे और बड़ा जुनून था खेलने का, बहुत अच्छा लगता था खेलना। तो उस समय हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे पापा और मेरे चाचा को मैं बोलता था कि मुझे आप बॉलिंग डालिए। तो सोसाइटी में तो खेलते थे, तो सामने एक पार्क था घर के, तो वहाँ पे सुबह सुबह 5-6 बजे मैं उनको उठा के ले आता था कि मुझे बॉल डालिए, तो फिर मुझे बॉल डालते थे। तो फिर ऐसे इसी उसमें क्रिकेट खेलना शुरू किया। बड़ी सोसाइटी से बड़ा बहुत शीशे तोड़े, काफ़ी कुछ हुआ। तो तब किसी पेरेंट ने मेरे फादर को बोला कि हम इसको एकेडमी में डाल दीजिए, इसको इतना शौक है। तो फिर 8-9 साल का था तब पापा मुझे नेशनल स्टेडियम लेके गए थे, तो वहाँ से मेरी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू हुई। बट उसमें मुझे सर ने वापस भेज दिया, कहा कि जब तुम 10 साल के हो जाओगे तब आना, अभी तुम ज़्यादा छोटे हो। तो फिर कितने साल में आप गए थे नेशनल स्टेडियम, तब आप कितने साल के थे? मैं आई थिंक सेकंड या थर्ड में था। तो सेकंड या थर्ड का मतलब हुआ कि ऐसे ही कुछ हुआ, 8-10 साल का होऊंगा मैं, तभी मैंने जाना शुरू कर दिया था प्रैक्टिस में। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, बड़ा अच्छा माहौल था, बड़े सारे सीनियर्स जो थे बड़े अच्छा बहुत सपोर्ट करते थे, तो उस वैसे ही क्रिकेट खेलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद स्कूल में, इसमें डीपीएस नोएडा में पढ़ता था, तो स्कूल की टीम में भी मैंने खेलना शुरू किया। जब मैं चौथी में गया तो मैंने स्कूल की टीम का भी हिस्सा बना, तो वहाँ से क्योंकि क्रिकेट का इतना शौक था तो फिर वो बढ़ता चला गया। साथ में स्विमिंग भी करता था, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे पेरेंट्स को ये था ऑब्वियसली कि अगर स्विमिंग करूँगा तो स्टैमिना बढ़ेगा और मुझे काफ़ी मदद मिलेगी आने वाले टाइम में। तो ये ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई क्रिकेट में, और फिर फ्री सिलसिले चलते रहे अगले कुछ सालों तक। फिर आई थिंक मेजर टर्न अराउंड था मेरी लाइफ में जब मैंने मॉडर्न स्कूल ज्वाइन किया 9th क्लास में, क्योंकि कहीं ना कहीं डीपीएस मुझे वहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता था यहाँ पे, क्योंकि आसपास में मैचेस जो होते थे वो वहीं तक के होते थे। बट मॉडर्न स्कूल में जाने से क्या फ़ायदा हुआ कि मैंने बहुत सारी डेली की क्रिकेट खेलनी शुरू करी, और काफ़ी सारे हमारी स्कूल की टीम में ऐसे प्लेयर्स थे जो कि उस समय करंट स्टेट खेल रहे थे अंडर 15 अंडर 17 19, तो उनके साथ खेल के एक एक्सपीरियंस बड़ा चेंज हुआ। प्लस उस समय मैंने एलबी शास्त्री भी जाना शुरू किया संजय सर के अंडर, तो फिर वहाँ से बड़ी चीज़ें चेंज हुई। लेकिन शौक जो था वो बचपन से ही था खेलने का, और ये हमेशा से पता था। बचपन में भी मैं स्कूल में खेलता था उस समय कि रणजी ट्रॉफी खेलनी है, इंडिया खेलनी है। उसमें तो ऑब्वियसली स्कूल के बच्चों को इतना पता नहीं होता था कि रणजी ट्रॉफी होती क्या है, लेकिन ये था कि इंडिया खेलना है, तो ये उसका बड़ा पहले से ही एक सो कॉल्ड फेट था मेरे अंदर, वो चीज़ पहले से ही थी, इनबिल्ट थी, ऐसा नहीं था कि वो ओवर द ईयर्स डेवलप हो, स्टार्टिंग से ही था। संजय सर की आपने बात की एलबी शास्त्री में, वो आपके कोच हैं, वो मेरे भी कोच रहे हैं और मैंने आपको कई बार एलबी शास्त्री में देखा भी है। उसका कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे वहां से बहुत किक मिली, मैं कहूंगी मेरे करियर में, क्योंकि वहां पर गौतम अमित के साथ खेल के एक आप बड़ा सपना तो देखते हैं, लेकिन जब बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो वो मोटिवेशन आपको आता है, वो पुश मिलता है जो हर एक खिलाड़ी को चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर, क्या आपको एडवांटेज मिली मैं कहूंगी, या क्या मोटिवेशन मिली जब आपने संजय सर की एकेडमी ज्वाइन की? देखिए, अगेन एटमॉस्फेयर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ पे भी जाएं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, आई थिंक वो उस समय भारत नगर में प्रैक्टिस होती थी, तो उस मिट्टी में ही कुछ ऐसी बात है कि और ऑब्वियसली उस समय संजय गौतम भैया, अमित भैया, ये सब करंट इंडिया खेल रहे थे उस समय, तो उनको देख के बड़ा कुछ सीखा। पीछे नेट्स के पीछे हम लोग खड़े रहते थे और उनकी बैटिंग देखते रहते थे, तो वहाँ बड़ा कुछ सीखा। फिर बड़े कॉम्पिटेटिव मैचेस होते थे, सोनेट हो गया, रोहतक रोटाना हो गया, ऐसे काफ़ी सारी टीम्स थी इनके अगेंस्ट, काफ़ी मैचेस भी खेलने का मौका मिला ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उन मैचेस से बड़ा कुछ सीखा हूँ। और कहीं ना कहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम थी, तो ऑब्वियसली सभी लड़कों में बड़ा कॉम्पिटिशन था, और संजय सर खुद भी इतने ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं प्रैक्टिस को लेकर, हर चीज़ को लेकर, तो एक वहाँ से जो क्रिकेट में, जो क्रिकेटिंग में जो आर्ट्स हमने पुट करने शुरू किए हमारी बैटिंग पे हो या बॉलिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ गया।
तो उस ट्रेनिंग का बड़ा फर्क पड़ा. और फॉर्चुनेटली मैं उसी साल आई थिंक 9th में था मैं, तब मैं अंडर 16 खेल गया था. और फिर वो दो साल के अंदर ही बड़ा बहुत जल्दी किक हुआ कि जब मैं 10th में था तो मुझे 10th में था तो मैंने फिर अंडर 16 खेली थी, वहाँ पर बड़े रन बनाए थे. और उसके बाद मेरे को 11th में IPL और रणजी ट्रॉफी का मौका मिल गया था. 12th में जब मैं गया था तो मैंने IPL खेली थी, रणजी ट्रॉफी का और विजय हजारे का मुझे 11th का मौका मिल गया था. तो वहाँ से चीज़ें बड़ी जल्दी बढ़नी शुरू हुई. और प्लस वो एटमोसफेयर जो था, सर हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव हैं, रहते हैं चीज़ों को लेके. और आई थिंक वो जो माइंड सेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो सर इनफैक्ट ज़्यादा बातें भी माइंड सेट की करते हैं, वो हमेशा से ही प्लेयर्स को ज़्यादा टेक्निकल बात ज़्यादा नहीं करते अंटिल इनलेस की बहुत ज़रूरत हो. उनका ज़्यादा हमेशा रहता है कि आप किस माइंड फ्रेम में हैं और आपकी सोच कैसी है. और आई थिंक उन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है आप जिस ढंग से आप अप्रोच करते हैं अपनी क्रिकेट को. जी हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और पॉजिटिव माइंड फ्रेम ये खासा ध्यान रखा जाता था उस एकेडमी में. उन्मुख उसके बाद एक बड़ा मोड़ आया आपकी जिंदगी में, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल्स में आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 111 नॉट आउट रन बनाए. क्या मेमोरीज हैं उस वर्ल्ड कप की, क्योंकि आपने अंडर 15 अंडर 16 की जर्नी तो बता दी, बट वो कैसे हुआ और क्या चेंजेस लेके आया आपकी लाइफ में? क्योंकि वो मैच मैंने भी लाइव देखा था और आपने जो इनिंग खेली थी इन चैपल ने भी आपकी काफी तारीफ की थी, कैसा था वो सफर? देखिए ऑब्वियसली बहुत ही एक सपना होता है किसी अंडर 19 खिलाड़ी के लिए. इनफैक्ट इंडिया खेलने से पहले भी ये रहता है कि आप अंडर 19 इंडिया खेलें और वहाँ पे आप उस ट्रॉफी को जीत के लाएं. और मैंने अपने से पहले 4 साल पहले विराट को देखा था जीतते हुए, और तो वो मेरी आंखों के सामने ही मैंने उनको देखा था कि उन्होंने अंडर 19 ट्रॉफी जीती है. और जिस ढंग से वो उनका नाम हुआ फिर वो इंडिया खेल गए, तो कहीं ना कहीं एक हमेशा से एक सपना होता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीतें, देश के लिए लेकर आएँ. और उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करी थी. जो भी सबका हम हर साल जो परफॉर्म करता था उसको NCAA में मौका मिलता था, तो NCAA के 30 लड़कों में 2 साल लगातार आए. और फिर उस जो 15 लड़के सिलेक्ट हुए थे अल्टीमेटली, हम लोगों ने फिर 2-3 टूर्स भी साथ में किए, 4 टूर्स किए उससे वर्ल्ड कप से पहले, वो सभी टूर्स जीत के आए. कहीं ना कहीं वो जो कमेंट्री बन गई थी, जो एक सारा वो बन गया था, तो उसका एक अल्टीमेट जो समिट था वो वर्ल्ड कप था. और वो वर्ल्ड कप को जीतना ही अपने में एक कहीं ना कहीं बड़ा सेटिस्फैक्टरी था कि जो इतने सालों की मेहनत थी उसका वो कल्बिनेशन था कि हमने वो वर्ल्ड कप जीता. तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत खुश थे, प्लस एट द सेम टाइम थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था क्योंकि पता था कि ये लास्ट टाइम हम लोग साथ में रहने वाले हैं. क्योंकि वो 2 साल से टीम साथ में ही चल रही थी हर जगह और हमको पता था कि इसके बाद हम लोग खेलेंगे लेकिन साथ में नहीं खेलेंगे, तो सब लोग अपने स्टेट से खेलेंगे या अलग अलग जगहों से खेलेंगे. तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही स्पेशल टाइम था हम सभी के लिए. लेकिन मैं जानना चाहूंगी फाइनल्स से पहले ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था, क्योंकि अंडर 19 है, यंग खिलाड़ी है, जोश जरूर होता है, लेकिन क्या होश था, क्या वो डर था या कहीं वो बटरफ्लाइज थे कि फाइनल है और इंडिया फाइनल खेलेगी और जीतना है हारना है, क्या था माहौल ड्रेसिंग रूम का? देखिए ऑब्वियसली सबको ही होता है, पता है कि बहुत बड़ा ओकेजन है. और मैं तो अच्छे से याद करता हूँ वो दिन. तो शाम के टाइम पे वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर में गया था मैं मैच से पहले, और कहीं ना कहीं यही प्रार्थना थी कि हम लोग ये मैच निकाल लें, जीत जाएं. और उस एक्चुअली उस टूर्नामेंट में मेरे रन भी नहीं बन रहे थे, मेरी सिर्फ 150 थी उस फाइनल से पहले. लेकिन एक 50 था, तो मैं भी ये सोच रहा था कि उससे पहले हमने 2-3 टूर्नामेंट्स जो खेले थे उन सभी में मेरे मैं मान रहा था से बेस्ट बैट्समैन रहता था, सेमीफाइनल फाइनल में 100 किया या कुछ किया, लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ नहीं हो रहा था. तो कहना कि मैं ये भी सोच रहा था कि जब वो असली मौका आया तो रन तो ऐसे रन नहीं बन रहे. लेकिन एट द सेम टाइम वो जो जीतने की फीलिंग थी वो अपने पर्सनल परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा ऊपर थी कि हम भले आउट हो जाएं कुछ नहीं होता बट हम मैच जीत जाएं क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है. और आई थिंक और अगले दिन आई थिंक मैजिकली हो गया कि हम मैच भी जीत गए और मैंने एक अच्छी पारी भी खेल दी. भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली और 111 रन की वो बतौर कप्तान भी आपकी सबसे बड़ी इनिंग्स थी और टीम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी वो पूरा भारत जानता. बिल्कुल तो बहुत ही स्पेशल मौका था. लेकिन ये था कि हाँ बटरफ्लाइज तो देखिए होती ही है, लेकिन हम थोड़े से बच्चे इसलिए हुए थे क्योंकि एक तो वो ऑस्ट्रेलिया की एक छोटे सी जगह टाउनफिल में टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो जो मीडिया अटेंशन होती है वो सब चीज़ें होती हैं वो सब हम लोग
उससे बहुत दूर थे, और उस समय वो एक वो सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं था, क्योंकि 2012 में कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम भी सारी चीजें नहीं आई थी, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों से ही बचे हुए थे, एक्टिव नहीं थे. नहीं तो आजकल तो सब कुछ पता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो क्योंकि यहाँ घरों में तो काफी मीडिया आ रहे थे, काफी लोग आ रहे थे, बट वो थैंकफुली हम लोगों को उस चीज का एहसास वहाँ बैठ के नहीं हुआ, उस टाउन में बैठ के नहीं हुआ. तो जब हम लोग वापस इंडिया लैंड किए और फिर देखा कि इतने सारे लोग, जब हम एयरपोर्ट में भी थे तो बहुत पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ था बॉम्बे का, और फिर जिस ढंग से यहाँ पे स्वागत किया गया, तो फिर वो एक बहुत ही डिफरेंट था जो यू नो आज तक देखा नहीं था. तो वो अच्छा हुआ कि हम लोग दूर थे, तो थोड़ा अपने काम पे प्रोसेस में फोकस थे ज्यादा, राय दिन की यार जीत जाएंगे तो ये होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ये सब चीजें दिमाग में नहीं थी. हमने 2012 वर्ल्ड कप की बात की, काफी अच्छा साल था वो आपके लिए, कैप्टन भी थे वर्ल्ड कप में, जीते भी, रन्स भी किए. 2011-12 में आप जूनियर क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे, उसके बाद CH इंडियन यंगेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे 2012 में. तो ये वो साल था जहां आप अपने में कहूंगी पीक पे थे और छाए हुए थे हर जगह पे, ग्राउंड के अंदर भी ग्राउंड के बाहर. लेकिन इतने अच्छी शुरुआत के बाद वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, जैसे आपने खुद ही बताया कि विराट कोहली को आपने 4 साल पहले देखा था अंडर 19 में कि कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आज विराट कोहली कहाँ है. तो कहीं ना कहीं आपका कंपैरिजन भी ऐसे हुआ था, इसका क्या कैलिबर है आपका, वो हमने आपकी बैटिंग में देख ही लिया था जिस तरह से जीते खेले. तो आपको क्या लगता है कि क्या वो चूक थी या क्या कमी रही, वो लक फैक्टर था या क्या था कि आज जो किक स्टार्ट थी वो अंजाम थोड़ा डिफरेंट है. देखिए सबकी जर्नी बहुत डिफरेंट होती है, और आई थिंक जो कि जो पूरा एफर्ट बचपन से लगाया था क्रिकेट के लिए, और तो भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं अंडर 19 देश के लिए खेल पाऊँ, जीत पाऊँ. उसके बाद 3-4 साल में लगातार इंडिया की कप्तानी भी करी 2016 तक. तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे मौके आए जब मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट हो सकता था, मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि तैयार है अगले मैच के लिए, बट वो समाओ वो हो नहीं पाया कुछ. तो आई थिंक क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, ऑब्वियसली उस समय जब मैं रन बना था तब गौतम गंभीर रूबिया ओपनिंग स्लॉट पे थे, फिर एक साल जब उन्होंने रन नहीं बनाए थे तो उस साल मेरे भी रन नहीं बने थे. तो आई थिंक ये बहुत सारे प्रॉब्लम इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन तो होते ही हैं. लेकिन एट द सेम टाइम देखिए मेरा यही मानना है कि सारी जर्नीज एक जैसी नहीं होती. हम लोगों के पास शिखर धवन की जर्नी भी है कि उन्होंने भी वर्ल्ड कप के हिस्सा थे और बहुत से रन बनाए थे, फिर 28 साल की उम्र में उन्होंने भी अपना इंडिया का डेब्यू किया था. तो आई थिंक सबकी जर्नीज बहुत अलग हैं. इट्स नॉट राइट कि हम आई मीन ऑब्वियसली पीपल सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कोई था कि मैं उस समय इंडिया खेल जाए, पर मेरे को भी बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मैं अभी इंडिया के कभी भी खेल सकता हूँ. और वैसे देखा जाए तो इंडिया जब मैं खेल रहा था, मैं कप्तानी कर रहा था इंडिया की, तो मेरे अंडर के सारे 14 के 14 प्लेयर इंडिया खेल चुके, मैं ही रह गया हूँ बस. तो ये बड़ा ये बड़ा आई मीन सरप्राइजिंग भी है और वैसा भी है, लेकिन आई एम श्योर कि गॉड हैज अ बेटर प्लान. और अभी क्या कहते हैं, तो अभी तो पूरी कोशिश है और अभी तो आई सी सो मेनी इयर्स अहेड ऑफ मी. तो इन दैट रिस्पेक्ट देखिए अगेन सक्सेस और आई थिंक ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स हैं. और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम अपना काम करते रहें, अच्छे से करते रहें, पूरी डेडिकेशन से करें, तो डेफिनेटली कभी ना कभी उसका रिजल्ट मिलता ही है. कभी कभार कुछ चीजें लग भी बहुत बड़ा फैक्टर है, हम सभी जानते हैं क्रिकेट में लग बहुत तो कहीं ना कहीं कि आपको लगता है कि अब वो लेडी लक का टाइम आ गया है क्योंकि आप एलिजिबल बैचलर हैं और आपका डोमेस्टिक सीजन भी काफी अच्छा रह चुका है. मैं रिकॉर्ड देखूं तो 12,000 से ज्यादा रन आप बना चुके हैं विद गुड बैटिंग एवरेज. तो कहीं ना कहीं वो लेडी लक लाना चाहेंगे या सोच रहे हैं उस तरफ? देखिए ये तो खैर बहुत अलग चीज हो गई. आई थिंक जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो फिर सारी चीज़ें एक साथ ही अच्छी हो जाती हैं. और तो मैं इसको ढंग से नहीं देखता कि किसी के आने से कुछ ऐसा हो, लेकिन हमेशा से देखिए अल्टीमेटली सब कुछ एनर्जी ही है. और हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो सारी एक साथ अच्छी होती चली जाती हैं. तो आप किसी भी प्लेयर को देखिए, ऐसे कि ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर हैं जिनके साथ तो एक समय आता है सब कुछ खींच के ले आता है. तो मेरे ख्याल से आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक अच्छा डोमेस्टिक सीजन जाएगा तो चीजें वापस अपने ट्रैक पे आ जाती हैं. बट यही है कि हार कभी नहीं माननी चाहिए, जो कि मैंने प्लस इन 6-7 सालों में ये सीखा है कि देखिए अप्स भी देखे हैं, डाउन्स भी देखे हैं, और बहुत सारे जो पीरियड ऑफ लाइफ जब कुछ भी नहीं हो रहा था तो वो भी देखा है. तो आई थिंक एज अ पर्सन मैं काफी ग्रो किया हूँ, और
एज अ क्रिकेटर भी डेफिनेटली यस, एंड आई फील कि अभी तो मेरी क्रिकेट खेलने की असली जो टाइम है, क्योंकि देखिए ऑल्सो क्योंकि मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया, 16 साल में मैं रणजी ट्रॉफी खेल गया था, तो एक जो सब कुछ इतनी जल्दी मिला तो बीच में वो एक रेस्ट पीरियड आया या कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक अभी भी देयर आर सो मेनी इयर्स अहेड ऑफ मी, सो आई फील वेरी वेरी चार्ज्ड अप, मुझे लगता है कि अभी तो मुझे बहुत खेलना है क्रिकेट और अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और सपना तो हमेशा से यही है और कि इंडिया की टोपी पहनूं और उसकी तरफ पूरा डेडिकेशन की तरफ है। वेरी वेल सेड माय फ्रेंड, आई होप कि सपना आपका जल्दी पूरा होगा, क्योंकि अगर आप की जर्नी जरूर, और हर क्रिकेटर की जर्नी मेरे हिसाब से अप एंड डाउन रहती है, किसी की भी एक फ्लैट लाइन में नहीं चलती। अच्छी बात यह कि आप पॉजिटिव हैं, और अगर मैं आपकी फिटनेस की बात करूँ और मैं अगर 5 साल पहले जाऊँ और अभी के उन्मुख चंद को देखूँ तो बहुत डिफरेंस है। क्या वो फिटनेस मंत्र है, क्या वो आपको मोटिवेट करता है इतनी फिटनेस करने, क्योंकि सोशल मीडिया में मैं आपको फॉलो करती हूँ और देखती हूँ किस तरह से आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, आपका फिटनेस लेवल मेरे हिसाब से काफी ऊपर चला गया। आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप अपनी इस फिटनेस जर्नी को क्रिकेट में इन्वॉल्व कर सकते हैं? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फिटनेस का शुरू से बहुत शौक था। मेरे चाचा आर्मी में थे और कहीं ना कहीं उनके साथ ही मैं बचपन से ट्रेनिंग करता था, तो ये मेरे अंदर ना इनबिल्ट है। इवन अगर क्रिकेट भी ऐसे अभी लॉकडाउन के बीच में क्रिकेट तो होने दी थी, तो तब भी मेरा रोज फिटनेस के 2-3 घंटे तो मेरे होते ही होते हैं, तो आई मीन उसका मेरे को ना एक पर्सनली बड़ा शौक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं बिकॉज क्रिकेट खेल रहा हूँ, शायद मैं अगर क्रिकेट नहीं भी खेल रहा होता तो भी मैं फिटनेस को लेके थोड़ा जज्बाती हूँ और शुरू से ही हूँ, तो मुझे हाँ तो मुझे उसका बड़ा शौक है। और कहीं ना कहीं फील कि अगर मैं फिजिकली अपने आप को पुश करते रहता हूँ तो आई मीन अ गुड स्पेस मेंटली, तो क्योंकि वो बड़ा आपको असर करता है, जैसे आपकी सोच है, आप जैसे सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बॉडी पे जब आप कंट्रोल रहता है थोड़ा, आप यू फील पावरफुल, यू फील यू नो मच बेटर, तो इसलिए मुझे उस चीज़ का बहुत शौक है। और ओवर द इयर्स हाँ यस आई हैव डेफिनेटली इंप्रूव्ड माय फिटनेस, और कोशिश यही रहती है कि, और मेरा ये भी मानना है क्योंकि हम क्रिकेटर्स हैं और हम स्पोर्ट्समैन हैं, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग यू नो ऐसे देख के लगना चाहिए कि एथलीट है, राइट? बिकॉज काफी लोगों को मैं देखता हूँ कि इतनी शायद फिटनेस नहीं करते या वो नहीं करते हैं। सी अब हम फुटबॉलर्स को देखते हैं, ऑल ऑफ देम सबके सब देयर इज अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक लाइन है कि आपको उसके पार जाना ही जरूरी है, इट लुक्स गुड एज वेल। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ और मैं देश के लिए खेल रहा हूँ या खेलना चाहता हूँ, तो मुझे वो जो लेवल है उसके पार जाना जरूरी है, और कोशिश करनी चाहिए कि मैं हमेशा उसको तोड़ते रहूँ और आगे जाऊँ। आई थिंक क्योंकि ये एक पर्सनल आपके बेटरमेंट के लिए भी होता है, और आई थिंक ये फिर एक आपका वे ऑफ लाइफ भी बन जाता है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा से रहता है कि मैं इस चीज़ पर बेटर कैसे करूँ, मैं जो कल था मैं उससे आज कैसे बेटर हूँ। तो आई थिंक फिटनेस भी एक बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मेंटली आपको स्ट्रांग बनाती है, आपको ये बताती है कि हाँ कल जो मैंने किया आज व्हाट कैन आई डू टू मेक मिसल बेटर, उसके बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो आई थिंक उन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए ये मेरा ये जो अंदरूनी शौक है वो हमेशा से ही रहा है, तो मैं इसको लेके बहुत जज्बाती रहता हूँ। बहुत अच्छा, और आई होप कि यंगस्टर्स भी ये देखेंगे कितना इम्पोर्टेंट है फिटनेस मंत्र। हमारा जो इंडियन कैप्टन है विराट कोहली, वो भी फिटनेस फ्रीक है, और एक उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, और अच्छी बात यह है कि हर बंदा उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है और हर किसी की अपनी सोच है। उन्मुक्त डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करें तो आपने कई सालों तक दिल्ली से खेला, उसके बाद लास्ट ईयर आप शिफ्ट हुए उत्तराखंड, क्या रीजन था कि आपने इतने सालों से खेलते हुए टीम को, अपनी होम टीम को छोड़ा उत्तराखंड गए? उत्तराखंड में भी आप इनिशियली कुछ मैचेस शायद वॉश आउट हुए थे, और उसके बाद कुछ मैचेस के बाद आपको फ्रैक्चर भी हो गया था, तो कहीं ना कहीं आप उस लक को मिस करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या जितने मैचेस आप चाहते हैं कि आपको मिले खेलने, क्योंकि आप फिटनेस भी इतना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट ईयर वो उस पे थोड़ा डेंट लगा। आप ये कह रही हैं कि मैं अब रिपीट करेंगे क्वेश्चन, आई मीन मेरा मतलब ये था कि दिल्ली से आप गए उत्तराखंड, क्या वो रीजन था कि आप टीम शिफ्ट करी, और उत्तराखंड में जाने के बाद भी कुछ मैचेस वॉश आउट हुए, उसके बाद आपको फ्रैक्चर हुआ, तो इतने मैचेस नहीं मिल पाए, तो लास्ट ईयर कहीं ना कहीं मैं कहूंगी आप शायद माइनस ही करना चाहेंगे, क्या रीजन था इसका? राइट, देखिए ऑब्वियसली दिल्ली छोड़ने का जो मेजर रीजन था, कभी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन
पिछले 2 सालों में मुझे दिल्ली में क्रिकेट थोड़ी कम मिली. एक्चुअली मैं इंडिया की कप्तानी कर रहा था, मेरा काफी वहाँ रन बना के भी आया था, और उस समय मुझे दिल्ली से वनडे में ड्रॉप कर दिया, वनडे पे ड्रॉप कर दिया था. तो आई थिंक वो एक बड़ा झटका था मेरे लिए. उसके कारण मेरी फिर आईपीएल भी मैंने उस साल अपने आप को रिलीज करवा लिया था मुंबई से, क्योंकि मैचेस नहीं मिल रहे थे इतने ज्यादा. और आई मीन एक हफ्ते के स्पैन में ही मैं दिल्ली से ड्रॉप हुआ, फिर मैं आईपीएल से भी ड्रॉप हो गया. तो वो सब चीज़ें थी मेरे को रेगुलर मैचेस नहीं मिल रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर मैं रेगुलर मैचेस ना खेलूँ तो फिर वो एक चीज़ सही नहीं है. तो इसीलिए पहले तो मैं एक साल वेट किया मैंने, बट जब मैंने सेकेंड ईयर भी देखा कि मुझे रनप्रोस में एक मैच नहीं मिला उत्तराखंड जाने से पहले, तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मुझे अब जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैचेस नहीं मिल रहे हैं. तो वो हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वहाँ गया तो आई मीन ऑब्वियसली पॉजिटिव सोच के ही गया था, चीज़ों को देखे गया था. लेकिन हमारे वनडे के कुछ मैच रद्द हो गए थे बारिश के कारण, 3-4 मैच हमारे रद्द हो गए थे, हम लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए इस कारण. और फिर T20 से पहले मेरे को उसकी मेरा T20 मिस हो गया, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था जी. तो वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था. तो फिर उसके बाद जब मैं वापस आया फ्रेंच ट्रॉफी में, तो कहना कि वो रिदम नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि 2 महीने से मैंने क्रिकेट ही नहीं खेली थी इनके लिए. तो सीजन भी इतना फिर अच्छा नहीं जा पाया, और टीम भी अच्छा नहीं कर पाई. तो अब देखिए, अब अगेन लर्निंग एक्सपीरियंस है कि इनसे, और कुछ सीखा ही होगा. और तो ये है, लेकिन कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. आई मीन वही है, एक आना जो का सीजन है, उसमें अगर अच्छा कर दूंगा तो सब बराबर हो जाएगा. बहुत अच्छी बात, गिरता तो हर कोई है, गिर के जो उठता है वही असल में खिलाड़ी कहलाता है. सही बात, सही बात. अनुप, आपको हमने क्रिकेट के मैदान पे तो डेफिनेटली देखा है, और अभी कुछ समय से हम आपको कमेंट्री में भी देख रहे हैं. पहले हाथ में बल्ला था और अब हाथ में माइक है, तो क्या आने वाले समय में हम फुल टाइम कमेंटेटर देख सकते हैं अनुप चंद्र? देखिए, मेरी बिल्कुल भी इस चीज को लेकर ऐसी सोच नहीं है. मैं हमेशा से ही बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग जगह बहुत सारी चीजें करूँ. और जब तक स्कूल में पढ़ाइयाँ थी, तो पढ़ाई में मेरा एक काफी अच्छा, आई वाज अ गुड स्टूडेंट. और उसके बाद फिर मैंने किताब भी लिखी, तो मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहता है कोई ना कोई नई चीज को करने में. सो स्काई इज द लिमिट, ये आपकी बुक का नाम है. एब्सोल्यूट, इतने कम उम्र में आपने बुक भी लिख डाली, कितना कुछ टैलेंट छुपा हुआ है. नहीं, मेरे को देखिए बचपन से लिखने का बड़ा शौक है. मेरे पिताजी और मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर्स हैं, तो मुझे बचपन से ही डायरी लिखने की उन्होंने आदत डलवाई थी. तो वो मैं लिखते रहता था और लिखते रहता था. तो उन्हीं डायरी के थ्रू ही मैं इस किताब को भी लिख पाया. तो एक सपना था कि लिखूँ किताब, लेकिन वो इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता था. लेकिन वही कहते हैं ना कि जब चीज़ें अब करते रहते हैं और वो अल्टीमेटली करते करते चीज़ हो जाती है, तो वो वैसे ही कुछ सिलसिला था उसका भी. लेकिन ये है कि जैसे हमने कमेंट्री की बात की, तो वो मुझे मौका मिला. मुझको स्टार से फोन आया कि अंडर-19 में आप कमेंट्री, उनका फाइनल था और मैं उसमें फ्री था, मैं कुछ खेल नहीं रहा था. तो मैंने कहा हाँ, वाई नॉट. और अभी फिलहाल CPL में भी एक दो मैचों में करने का मौका मिलता है, तो आई एम एंजॉइंग इट. आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं कल कमेंट्री करनी, जब क्रिकेट छोड़ दूँ उसके बाद मैं कमेंट्री करूँगा, ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है. चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी आई तो वाई नॉट. आई मीन क्रिकेट से रिलेटेड है, और आई थिंक एक अलग एस्पेक्ट है. कई बार आप हम घर बैठ के गेम देखते हैं, लेकिन उतने शायद उतनी डीपली नहीं देखते. लेकिन जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गेम को, आपकी जो रीडिंग होती है वो एक अलग हो जाती है. तो आई थिंक मैं उसको साफ से देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी मुझे मेरे क्रिकेट में हेल्प कर रही है, और वो भी मेरे को एक मेरी ऑलराउंड पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प कर रही है. बिकॉज ये एस्पेक्ट बड़ा मिस हो जाता है, जब हम सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं यू नो लोगों से मिलना, जो बहुत सारे जो को कमेंटेटर्स हैं, इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनके साथ बैठने को मिलता है, उनका उनसे बात करने को मिलती है. प्लस उनका उनका उनकी सोच भी कुछ समझने को मिलता है कि वो कैसे गेम को सोच रहे हैं, क्या कैसे गेम को ले रहे हैं. तो आई थिंक उससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, और आई थिंक वो अल्टीमेटली तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरे क्रिकेट में मेरे को मदद करेगा. और अपने गेम सेंस को भी आप शब्दों में कैसे बयान करते हैं, ये भी एक आर्ट है. उनमें आपकी लाइफ की जर्नी बहुत अप डाउन रही है, लेकिन आपसे काफी कुछ सीखने वाला है कि कुछ भी सिचुएशन आया आप उसको एंजॉय करते हैं. ये सेगमेंट वाकई में काफी अच्छा था, और आई होप यू यंग क्रिकेटर्स आर डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे. उन्मुक्त, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर, जिसको हम टिकटॉक पे टीममेट्स भी कहते हैं, क्योंकि कुछ सवाल होंगे आपके टीममेट्स को लेकर और कुछ होंगे आपके नजरिए से जो आप बताएंगे. वन वर्ड आंसर चलेगा, और जो भी आपके जहन में आता है, कोई भी टीम हो, चाहे वो आपकी दिल्ली की टीम हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे आईपीएल की हो, चाहे इंडिया अंडर-19. स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल, मोस्ट ट्रेंडी एंड फैशनेबल बॉडी. केएल राहुल.
कोई ऐसा दोस्त जो आपके अप्स एंड डाउन में हमेशा आपका साथ रहा हो? मेरे दो बचपन के दोस्त हैं अर्जुन और उत्सव, वो बड़े खास हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। ओके, अगर आपके ऊपर कोई बायोपिक बने तो किस एक्टर को आप चाहेंगे कि वो रोल अदा करे? मैं खुद उसमें एक्टर बनना चाहूंगा। ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद तो होगी बायोपिक, लेकिन बनी जाएगी तो फिर इसलिए उस रोल में भी अपने आप को देखना चाहूंगा। तो हमने उन्मुख चंद को बुक लिखते हुए देखा, क्रिकेट खेलते हुए देखा, कमेंट्री बॉक्स में देखा, और अभी भी एक हिडन टैलेंट बाकी है एक्टिंग का, जो कि रिटायरमेंट के बाद है। मतलब बॉलीवुड बोले अगर सुनने के तो डेफिनेटली उनके जहन में रहेगी। अमेजिंग। बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर शिखर धवन, जट जी। बहुत कमाल के बंदे हैं, बड़ा बड़ा मजाक करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल एग्री करूंगी आपकी इस बात से। ट्रबल मेकर इन द रूम। ट्रबल मेकर किसी भी टीम में। कोई तो नॉटी होगा आपकी टीम में। नॉटी 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 किसको कहें, किसको कहें? नॉटी 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 ओह गॉड। सारे शरीफ नहीं हो सकते, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कहते हैं ऋषभ पंत। ओके, ऋषभ पंत बहुत ही नॉटी है, बहुत नॉटी है। हां, वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट? वाइट बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल फिलहाल, वाइट बॉल, लेकिन ये डेफिनेटली रेड बॉल भी। आई मीन अभी तक वाइट बॉल में रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए मैं वाइट बॉल कह रहा हूं, लेकिन रेड बॉल बहुत अच्छा है कि मैं एक दिन इंडिया के रेड बॉल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खेलूं। ओके, most memorable innings? 151 against Railways, first run of 300. Okay, best dancer? Abhishek Nair. Abhishek Nair, oh kamal naachte hain wo, हाँ, मैं उनसे मिली हूँ, बट उन्होंने इस टैलेंट के बारे में बात नहीं की। नेक्स्ट मिलूंगी, पक्का बात करूंगी। ये उनका इतना हिडन टैलेंट है कि अगर वो नाचेंगे तो फिर सब स्टेज से साइड हो जाएंगे। वाओ, बात करनी पड़ेगी। ओके, बेस्ट कमेंटेटर। बेस्ट कमेंटेटर वीरू भाई की कमेंट्री सुनने बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, वो मुझे भी आता है। वो जैसे वो खेलते हैं वैसे ही वो कमेंट्री भी करते हैं। जो मन में आता है वैसे ही खेलते थे और वैसे ही वो बोलते भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेगमेंट था। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा आपके सीधे सीधे जवाब, ऑनेस्टली जवाब देने के लिए। अच्छा, उनमुक जाते जाते थैंक यू, ऐसे थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे रीचैट में आपसे बात करके, और बड़ा मजा आया, बहुत बढ़िया सवाल थे और उनका जवाब देने में उतना ही मजा आया। आपको भी शो में जैसे मैं रीचार्ज के जी काफी के मैंने आपके पुराने एपिसोड्स भी देखे हैं, इरफान भाई, इरफान भाई, प्योर भाई के साथ, तो इट्स वेरी गुड शो, बड़ा मजा। थैंक यू उन्मुख शो में आने के लिए। लेकिन जाते जाते आपको एक मैसेज देना होगा उन क्रिकेटर्स के लिए जो कि इस टफ टाइम में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ये टाइम आपकी पेशेंस जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन मोटिवेशन की भी जरूरत है, क्योंकि जो क्रिकेट रेगुलर खेलते थे वो खेल नहीं पाते। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट टाइम है सभी के लिए, और स्पेशली स्पोर्ट्स वालों के लिए, क्योंकि हम लोगों को तो वैसे ही इतनी ज़्यादा घर में बैठने की आदत कम होती है, ग्राउंड में ज़्यादा समय बिताते हैं, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे घर में बैठना पड़ता है तो डेफिनेटली मुश्किल है। लेकिन ऐसे समय में कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो जो चीज़ें कर सकें, जैसे कि अगर आप फिटनेस कर सकें आसपास, अगर आपकी छत है या अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, आजकल तो थोड़ा बहुत भागने लायक तो हो गया कि अगर आप अपनी जो भी ट्रेनिंग हो, चाहे वो घर पे भी हो, तो एटलीस्ट अपनी ट्रेनिंग करते रहिए, अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट लीजिए। आई थिंक मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे वक्त पे जो आपको मेंटली काम स्टेबल रखने की रखता है। आई थिंक ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, शैडो बैटिंग कर सकते हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप ग्राउंड पे जाके वैसे उसी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मैचेस नहीं खेल सकते, बट आई थिंक हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, जो कि की जा सकती हैं, उन पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे मोमेंट पे। और कहीं ना कहीं देखिए ये टाइम भी पास हो जाएगा, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फेज, बट
हम इसमें से जितना इसका फायदा उठा सकते हैं, जितना इसमें कोई ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि आज तक हमने नहीं करी हैं, या जो जो एस्पेक्ट हमने आज तक इतना ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर, उन एस्पेक्ट पे हम ध्यान दे सकते हैं. और आई थिंक दिस टू शैल पास, जैसे कि जो सेइंग है, और आने वाला टाइम ज़रूर पर अच्छा होगा. और मुझे यही मैं आशा करता हूँ और मैं सभी से उम्मीद भी करता हूँ कि इस फेज में काफ़ी कुछ सीख के जाएँ. और आई थिंक इसको पॉजिटिवली लेना ज़रूरी है. कोशिश करिए कि आप ऐसे लोगों के आसपास हों जो आपको अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आपसे, जो अच्छे मैसेजेस दें आपको, जो आपको कहीं ना कहीं गेम से जोड़ के रखें. क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि हमने देखा है कि जब आप गेम नहीं खेल रहे होते तो आप गेम से अलग हो जाता है. तो आप भले वो आप अपनी पुरानी वीडियोज़ देखिए, आप थोड़ा बहुत क्रिकेट शुरू हो गई है अब टीवी पे तो आप क्रिकेट देखिए, क्रिकेट की किताबें पढ़िए, गेम से जुड़े रहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है. और ये समय भी चले जाएगा और इसके आगे बहुत अच्छा होगा. अच्छी अच्छी फीलिंग के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत बहुत फायदा मिलेगा. जी बिल्कुल सही कहा आपने, पॉजिटिव रहिए. और कहते हैं ना, जब आप खेल नहीं सकते तो देख के सीखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली. और ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे टेस्ट मैच में कहते हैं डिफिकल्ट सेशन है, इसको जरा संभल के खेलिए, तो ये वो सेशन है लाइफ का, संभल के खेलिए. आगे और इजी हो जाएगी विकेट, तो खेलने में आसानी होगी. उन्मुख थैंक यू सो मच, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्रिकेटर के लिए. और हम चाहेंगे आपकी जितने भी ड्रीम्स हैं वो जल्दी से पूरी हो, चाहे वो इंडिया कैप पहनना हो, चाहे वो बॉलीवुड में डेब्यू करना हो, और बुक्स जो आपका शौक है लिखने का वो भी आप करें और जल्दी बहुत से रन बनाएं. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.